हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्वरा स्पीकिंग रूम। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम वापस आ गए हैं आपके पास एक बिल्कुल नया वीडियो के साथ। सिर्फ एक ही नोज़ल से हम बनाएंगे ये सनफ्लावर डिज़ाइन। तो अभी हम एक बोल में चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लेंगे। चिल्ड है ये क्रीम, लेकिन लिक्विड कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। सो फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स आपको स्पीड वन में करना है, फिर ग्रेजुअली स्पीड को इंक्रीज करना है। ये देखिए, ये सॉफ्ट पीक्स तक आ गया है। कुछ देर और व्हिप करने के बाद फुल स्पीड में ये देखिए पूरा स्टिफ पिक्स। अभी हम आपको एक ट्रिक सिखाएंगे चॉकलेट क्रीम कैसे बनाते हैं विदाउट गनाश और मेल्टेड चॉकलेट। तो थोड़े से क्रीम में आप 1 टीस्पून या तो 7 या 8 ग्राम्स आप कोको पाउडर लेके इसको व्हिप कर लीजिए थोड़ी देर। तो इसका एक डिटेल वीडियो हम चैनल पर अपलोड करेंगे, उसके लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी हमने चॉकलेट स्पंज बेक करके ठंडा होने के लिए रख दिया था 3 लेयर्स में कट करके। ऐसे अगर आप लोग करते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं तो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो टेक्सचर देखिए काफ़ी अच्छा है, मॉइस्ट है। तो एक बोर्ड में हम थोड़ा सा गनाश लेके सेट कर लेंगे। जो आपका केक रहेगा वो हिलेगा नहीं, और स्पेशली गर्मी का मौसम जब होता है तब गनाश से ही सेट कीजिएगा अपना केक। स्पंज को डाल दिया है, फिर थोड़ा सिंपल सिरप से हमने इसको सोक कर लिया है, और कुछ चॉकलेट्स हमने चॉप करके रख दिया था फ्रीज़र में ही। अभी हम अपना प्रिपेयर किया हुआ चॉकलेट क्रीम इसमें स्प्रेड करेंगे एक पैलेट नाइफ के मदद से, फिर उसमें फिलिंग देंगे हमारा चॉप किया हुआ चॉकलेट्स। टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप केक खाते हो। तो अगर हम इधर गनाश भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है। हम लोगों ने चूज़ किया है कि इसमें टेक्सचर के लिए अच्छा एक टेक्सचर आए, माउथ फील आए, इसीलिए चॉप किया हुआ चॉकलेट्स डालते हैं। आप भी ये ट्राई करके देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसी स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम अपना केक को क्रम कोट कर लेंगे। आप देख सकते हैं 1/2 kg केक में अराउंड 40 to 50 grams आपको चॉकलेट लगेंगे। और फिर से हमने सिंपल सिरप से इसको सोक करके क्रम कोट कर लिया है। क्रम कोट आपका फिनिश परफेक्ट नहीं आने से भी कोई बात नहीं, लेकिन क्रम कोट करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 15 to 20 minutes आप रख दीजिए, जितना टाइम आप रख सकते हो उतना ही अच्छा है, लेकिन 15 to 20 minutes भी चलेगा फ्रीज़र में। तो ये हमने क्रम कोट करके रख दिया था, फ्रीज़र से निकाल दिया। अभी इसका फाइनल फिनिशिंग दे देंगे। आज का डिज़ाइन सनफ्लावर है, जैसे कि आप लोगों ने पहले ही देख लिया। तो हम लोगों का बेस का जो कलर होगा वो सिंपल व्हिपिंग क्रीम ही होगा। इसको फिनिश कर लेंगे एक पैलेट नाइफ की मदद से। आप देख सकते हैं कि मैंने क्रीम को साइड साइड में लगा। यही स्टेप आप एक पाइपिंग बैग के मदद से भी कर सकते हो। तो इसी स्टेप को हम रिपीट करते हुए अपना फाइनल फिनिशिंग भी कर लेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो क्रीम आप स्प्रेड कर रहे हो वो इवनली हर जगह लग गया है। तो एक स्क्रेपर की मदद से साइड में स्मूथ फिनिश दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यही प्रोसेस को अच्छा फिनिश देने के लिए हमको बहुत बार यही स्टेप को रिपीट करना पड़ता है। तो आप भी ऐसे ही क्लीन कीजिएगा। अभी हमको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, येलो कलर इफ़ेक्ट चाहिए था साइड में। तो थोड़ा सा हमने पैलेट नाइफ में ही अपना कलर लगा के साइड साइड में ऐसे लगा दिया है डॉट्स में। आपको अलग से क्रीम नहीं बनाना है, ऐसे इसी मेथड से आप कर सकते हो। ऐसे आपका क्रीम भी अच्छे से स्प्रेड होगा। तो थोड़ा सा फिनिश देके, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें एक वेव इफ़ेक्ट डालना है। तो एक कोम के मदद से हम ऐसे ही, आप देखिए एक बार प्रोसेस, बिल्कुल ऐसे ही इसको रिपीट करते हुए एक वेव इफ़ेक्ट डाल देंगे। अभी हमारा बोर्ड हम क्लीन कर लेंगे। एक पैलेट नाइफ को ही एक वेट क्लॉथ में डाल के आप अपना बोर्ड क्लीन कर लीजिए। और ये देखिए वेट, ये 50 grams लेस करके हमारा वेट इतना एक्सीड कर गया। तो अभी एक छोटे से बोल में हमने थोड़ा सा क्रीम साइड कर लिया है, इसमें अपना येलो कलर मिला के थोड़ा सा सनफ्लावर का जो कलर होता है उसको रेप्लिकेट करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी ये एक लीफ नोज़ल से ही हम पूरा केक को फिनिश करेंगे, आप देखिए। तो अभी एक नोज़ल के उल्टे साइड से हम अपना निशान बना लेंगे ऐसे, उधर ही हम अपना सनफ्लावर्स पाइप कर लेंगे, आप देखिए। या तो आप बाहर से भी अंदर तक पाइप कर सकते हो, या तो अंदर से भी बाहर तक पाइप कर सकते हो। इधर वे आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो
तो आप देखते रहिए, इसी प्रोसेस को हम 4 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद जो सेंटर में आपने होल देखा है, या तो आप उधर गनाश पाइप कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास ब्लैक स्प्रिंकल्स है वो पाइप कर सकते हैं, लेकिन आज हम अपना केक क्रम्स डालेंगे। चॉकलेट का जो केक क्रम्स था वही हम बीच में डाल देंगे। और फिनिश करने के लिए येल्लो में ही आप देखते रहिए, येल्लो में ही ग्रीन थोड़ा सा मिला के एक बहुत ही प्यारा कलर खिलता है, वही कलर में हम लीव्स डाल देंगे पूरे सराउंडिंग में। और ऐसे ही आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या और सीखना है, हम और कैसे नए नए वीडियोस के साथ आ सकते हैं, आप हमको कॉन्सेप्ट दीजिए और हम लाने का ज़रूर ट्राई करेंगे। अभी आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो एक ही डिज़ाइन के नोज़ल से हमने अपना पूरा केक कवर कर लिया है, आप भी कर सकते हो और ऐसे काफ़ी सुंदर भी लगता है। तो जैसे कि आपको पहले ही बोला था कि एक ही नोज़ल से हमने अभी लीव भी बना लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप जब सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, टूडल्स।